अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों को विंड स्क्रीन इंस्टॉलेशन का तरीका बताऊंगा। मैंने YouTube पे काफ़ी सर्च की, मुझे एक भी प्रॉपर विंड स्क्रीन इंस्टॉलेशन की वीडियो नहीं मिली, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी विंड स्क्रीन है और काफ़ी कम मोटरसाइकिल पे लगी मैंने देखी है। पहले तो मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्चिंग की, मुझे कोई भी विंड स्क्रीन पसंद ही नहीं आ रही थी। तो ये अभी बड़ी मुश्किल से मुझे विंड स्क्रीन पसंद आई है। ये मैंने 4200 की ऑनलाइन परचेज़ की है। काफ़ी फ्लेक्सिबल विंड स्क्रीन है, काफ़ी मजबूत है। इसके साथ प्रॉपर सामान है, एलकीज वगैरह, बुल्ट वगैरह, एक्स्ट्रा आपने कुछ भी नहीं लेना, सारा सामान इसके साथ है। आप इजीली घर में खुद इंस्टॉल कर सकते हैं और मैं अभी इसकी इंस्टॉलेशन करता हूँ। आप प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखें। फाइनली विंड स्क्रीन इंस्टॉल हो चुकी है, आप देख सकते हैं। मुझे काफ़ी टाइम लगा इसको इंस्टॉलेशन का, क्योंकि मैंने कभी भी कोई इंस्टॉलेशन पहले तो ये की नहीं थी, ना ही मुझे आइडिया था। काफ़ी मुश्किल से मैंने ये इंस्टॉल किया, आप देख सकते हैं। और बाइक भी काफ़ी अच्छी लग रही है, मुझे तो ये बहुत ज़बरदस्त लग रही है इस बाइक की लुक। तो आप देख सकते हैं ये इसके साथ कलम थे, तो कलम जो थे ये अगर मैं आपको नज़दीक से दिखाऊँ तो ये जो आपके शीशे हैं इनके साथ मैंने दो एलकीज़ के साथ इसको फिट किया है। ये सारा सामान इसके साथ था और ये आप नज़दीक से देखें। और साइड से जो मेरी हेडलैम्प के ऊपर जो मैंने रिंग लगवाया हुआ था उसके साथ स्पेस था, साइड से मैंने उसके साथ इसको फिट किया है और बड़ी ज़बरदस्त फिटिंग हो गई है। और आप मुझे बताइएगा कि मेरी बाइक अब कैसी लग रही है। तो इसका वैसे काफ़ी फ़ायदा भी है, क्योंकि काफ़ी बड़ी है, जब आप कोई बच्चे किसी को आगे बिठाते हैं तो उसको भी हवा वगैरह नहीं लगेगी। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। हमेशा खुश रहें, अपनी दुआओं में याद रखें।